हजरत सैयदीना सैयद शाह मखदूम बाशा खाद्री सत्तारी यमुनी रहमतुल्ला अलै आदोनी वारी याबै आरव उर्सु महोत्सवम मे मुफयव तेदी संदल कार्यक्रमंलो भागंगा इशा नमाज अनंतरम मखदूम रहमतुल्ला अलै नुंची संदल बयलुदेरी दर्गा शरीफ चेरुनु। मे मुफयव तेदी अंगरंग वैभवंगा उर्सु महोत्सवम निर्वहिंचबडुनु। ई उर्सु महोत्सवंलो इशा नमाज अनंतरम सैयद शाह नूरानी मिया अश्रफी जिलानी साहेब पाजिले बाग्दाद वारिचे जलसा कार्यक्रम निर्वहिंचबडुनु। अनंतरम जून ఒకటవ तेदी जीआरत कार्यक्रम में भागंगा रात्रि 9 गंटल अनंतरम खवाली कार्यक्रम असलाम साबिरी अंड पार्टी दिल्ली अवैस नजाम अंड पार्टी मुंबई वारिचे खवाली कार्यक्रम निर्वहिंचबडुनु। 90 न्यूज़ रिपोर्टर बशीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदवतुस सालिकीन मिसबाहिल मुकर्रबीन हजरत ख्वाजा सैयद शाह मखदूम बाशा कादरी सुत्तारी यबनी रहमतुल्लाहि अलैह औलाद शहंशाह यमन हजरत सैयदना सैयद शाह अबू बकर फजलुल्लाह यमनी अलमारूफ सैयद शाह यासीन वली कादरी सुत्तारी यमनी खुतबे ताड़पत्री ताड़पत्री शरीफ अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट वो भांजा हकीकी भांजा दामाद अकबर खलीफा अकबर हज़रत सैदना सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ बादशाह खादरी अलमारूफ़ सैयद शाह महबूब पीर हुसैनी रहमतुल्लाही अलै अदोनी का संदले माली 30 तारीख 5वां महीना 2022 को बाद नमाज इशा आस्थान मखदूम से निकलकर दरगाह शरीफ पहुँचेगा, जिसमें तमाम तफात के अहले बानवा अहले रफाई अहले शाह जलाली और मदारी सिलसिले के जो भी हैं फुकरा शामिल हाल रहेंगे। दूसरे दिन 31 तारीख मई 2022 को बाद नमाज ज़ुहर मस्जिद मासूम पीर हुसैन रहमतुल्लाही अलैह में लंगर का अहतमाम किया गया है। उसी दिन रात में ठीक 9:30 बजे जलसे अजमत पंजतन पाक रखा गया है, जिसमें तमाम आलम इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मौलवी हाफिज़ बुखारी सैयद शाह मोहम्मद नूरानी मियाँ अशरफ अशरफी अल जिलानी मदज़िल्लहु आलिया दामन बरकातम फाजिले बरकात फाजिले बगदाद किचोचा शरीफ तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़ेर सदारत हज़रत सैयद शाह मुख्तार अहमद खादरी शुत्तारी अल यमनी सज्जादा नशीन आस्थान मखदूम अदोनी वो ज़ेर निगरानी सैयद शाह बाबा रुकनुद्दीन अहमद हुसैनी अलमारूफ ताज बाबा साहेब आस्थान सज्जादा नशीन आस्थान हज़रत बाबा फखरुद्दीन अलैहि रहमतु रिजवान बिनगुंडा शरीफ सदर चौक सदर सज्जादा नशीन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट भी जो है तशरीफ़ लाएंगे। इनके अलावा दूसरे जो है सज्जादगान बारगाह बंदा नवाज गैसुदरास रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले सज्जादगान मालेगाँव के सज्जादे और जो है हमारे नीलगाँव के सज्जादे गोगी शरीफ के सज्जादे कोलमपल्ली के सज्जादे भी इस स्टेज पर रौनक अफरोज होंगे। दूसरे दिन बाद 1 जून 2022 को बाद नमाज फजर ज़ियारत का अहतमाम किया गया है। फजर के बाद ज़ियारत के बाद जो है तकसीम तबरुक उसी दिन रात में इंशाअल्लाह खवाली का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें जो है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक बेहतरीन बेहतरीन खवाल हैं जिनका नाम असलम साबिरी एंड पार्टी न्यू दिल्ली और जो है ओएस नाजा मुंबई एंड पार्टी तशरीफ़ ला रहे हैं। असलम साबिरी का मशहूर व मारूफ खवाली जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत मिली सोने के कलश वाले ख्वाजा और जो है मोहम्मद के शहर में सोना उबल रहा है मोहम्मद के शहर में तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा आप तमाम लोगों से मेरी ये पुलखरूस अवामुन्नास से पुलखरूस गुजारिश की जाती है कि वो इस महफिलों में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें और शुक्रिया का मौका दें। मैं सैयद मोहम्मद मुजीब अशरफ खादरी शुत्तारी अलमिनी नायब सज्जादा नशीन बारगाह आस्थान मखदूम अदोनी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
रमजान सुबह कामशल तो आधोनी फन फेयर एग्जिबिशन आरटीसी बस स्टैंड ग्राउंड अस्परी रोड कोत्ता बस स्टैंड आधोनी प्रति रोज सायंत्रमु रात्रि पदिन्नर वरकु आधोनी पट्टणंलो अद्भुतमैन दुबाई सिटी मुखद्वारंतो मरियु सर्कस तो मरियु मोट्टमोदटिसारिगा भारी जायंट व्हील मेरी कोलंबस ब्रेक डांस बेबी हेयर बोन्सर एयर इंडिया ड्रैगन ट्रेन फिश राइड कार राइड बाइक राइड स्कॉर्पियो राइड धूम राइड दय्याल कोट मा एग्जिबिशन कु प्रत्येक आकर्षण फ्रेश बी वाटर बोट मरियु मी पिल्लकु आकर्षणीयमैन शॉपिंग मॉल्स कलवु इंका मा एग्जिबिशन नंदु घर संसार चप्पल स्टॉल किचन वेयर बैंगल्स टॉयज एयर टॉयज करकरी आट बोम्मलु।